ఇప్పటికే పార్లమెంటులో 400 మందికి పైగా మద్దతు బీజేపీకి ఉందని ప్రధాని మోడీ అన్నారు. వైసీపీ బీజేడీ కూడా తమకి మద్దతు ఇస్తున్నారని గుర్తు చేశారు. రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలంటే ఎప్పుడో మార్చేవాళ్ళమని అన్నారు. కానీ ఆ ఆలోచన తమకు లేదని చెప్పారు. మత ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లకు వ్యతిరేకమని కాంగ్రెస్ చెప్పగలదా అని ప్రధాని సవాల్ చేశారు. साथियों इन लोगों ने चलाया है. मोदी 400 सीट इसलिए मांग रहा है कि आरक्षण. अरे उनको मालूम नहीं आज भी पार्लियामेंट जो 5 साल चली एनडीए के 360 तो करीब करीब एमपी थे और बीजेडी जैसे लोग जो हमारे एनडीए में नहीं थे, आंध्र की वाईएसआरसीपी हमारे एनडीए में नहीं थी जो हमें समर्थन करते थे, वैसे भी पार्लियामेंट में 5 साल मेरे पास 400 की ताकत तो थी ही. लेकिन न ये पाप करने के लिए हम पैदा हुए हैं, न ही ये पाप करना हमारा रास्ता है. बाबा साहब आंबेडकर ने जो संविधान दिया है, देश के संविधान के निर्माताओं ने जो संविधान दिया है, उस संविधान की शुचिता, उस संविधान का संरक्षण. और कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है. मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा. मैं आज कांग्रेस के साहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को चुनौती देता हूं. मैं उनको चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे. घोषणा करो हिम्मत हो तो, नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है.